राष्ट्र का निर्माण होता है व्यक्ति से, उसके बाद व्यक्तित्व से, उसके बाद उसके घर से, उसके बाद उसके मोहल्ले से, उसके बाद उसके और बड़े दायरे से, फिर धीमे धीमे राष्ट्र की बात आती है। पहले हमको हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, पहले हमको अपना घर हिंदू चाहिए। पहले हमें अपने घर को हिंदू बनाना है। और जो लोग हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं, सबसे पहले उनका माथा देखना कि उनके माथे पर तिलक है कि नहीं, कंधे पर जनेऊ है कि नहीं। अगर वो इतनी बात नहीं कर सकते तो कहना आगे बढ़ो, फिजूल की बातें मत करो। आज सनातन की चर्चा करने वाले सनातन के ही लोग, हालत यह है कि उनके माथे सूने पड़े, ये क्या दुनिया को क्या दे पाएंगे, जिनके माथे के तिलक छिन गए, जिनको तिलक लगाने में शर्म आती है, वो कहते हैं हिंदू राष्ट्र बने। इनको ये सब कहने का अधिकार नहीं है और ना पूर्णतः इनको हिंदू कहा जा सकता है। क्षमा कीजिए, दर्शन क्या है आपका, देखने में कहां से हिंदू हो ये तो बता दो। तो इसे समझना सबके लिए जरूरी है। पहले अपने आप को, अपने परिवार को हिंदू बनाओ, उसके बाद हिंदू राष्ट्र की बात करना। और एक बात बता दूं, जिस दिन तुम हिंदू दर्शन में आ गए, तुम्हारा परिवार हिंदू दर्शन में आ गए, हर व्यक्ति हिंदू दर्शन में आ गया, हर परिवार हिंदू दर्शन में आ गया, बन गया हिंदू राष्ट्र। काहे को इतना दिमाग लगाते हो भाई, काहे को इतना दिमाग लगाते हो, तुम्हें क्या करने की जरूरत है? तुम दूसरे के घर के तो घर पे तो झंडा लगाना चाहते हो, लेकिन अपने घर पे नहीं, डेकोरेशन बिगड़ जाएगा। पहले अपना डेकोरेशन सही कर ले तू। हमें समझना होगा बारीकियों। हम गऊ को कितना पूज रहे हैं, हम ढूंढते हैं कि भैया आज हमारे यहां कुछ ये गऊ माता मिल जाए। आज तुम ढूंढ क्यों रहे हो? क्योंकि तुमने गऊ को सिर्फ दूध का साधन समझ लिया, उसका दोहन कर लिया, और जब तुम्हें लगा कुछ नहीं है तो तुमने छोड़ दिया। आज उसने तुम्हें छोड़ दिया तो क्या फर्क पड़ता है? कितने परिवार हैं, अपने आप को हिंदू कहते हैं ना, कितने परिवार हैं जिनके यहां गौ माता है? चलो आपके पास गौ माता इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि अब आपको रहने के लिए पूरी पर्याप्त जगह नहीं है, पर कितने परिवार ऐसे हैं जिनके घर से पड़ोस की गौशाला को सहयोग हर महीने जाता है? हाथ उठा के बताइए, गिने चुने मिलेंगे। देखिए गिने चुने ही है, फिर कैसे हिंदू? कितने लोग हैं जिनके यहां से रोज गौ माता को रोटी दी जाती है? ये देखिए, सोचो आप, और कितनी तकलीफ होती है। एक माता जी मुझसे कहती है, हम तो रोज रोटी निकालते हैं, अब हम टंगे छठवें मंजिल पर, और इनसे कहते हैं तो कहते हैं ये मेरा काम नहीं है। मेरी बात को समझ में आ गई आपको? आपका दर्द बोल रहा हूं। आप जब अपने श्रीमान जी अपने घर के बच्चों से कह रहे बेटा भारत दे देना, मतलब ये तुम ही करो, ये तुम्हारा ही काम है, हमारा काम नहीं है, हम तो बहुत बड़े वाले महान आदमी है, तुम्हारा धर्म नहीं है। वो स्त्री किसके लिए कर रही है? वो तुम्हारे लिए कर रही है, तुम्हारे यश के लिए कर रही है, लेकिन तुम कहते हो ये मेरा काम नहीं है। और फिर क्या होता है, वो रोटी जो सुबह ताती बनती है शाम तक वो पापड़ हो जाती है। तुम्हें कोई ताती रोटी ना देके कोई वैसी रोटी दे तो तुमको कैसा लगेगा? विचार करके देखो जरा, और जिसको तुम मां कहते हो उसके प्रति तुम्हारे अंदर संवेदना ही नहीं है तो फिर काय के हिंदू? अपने आप से पूछिएगा, तिलक लगाने में तुम्हें शर्म आती है? तुम बहुत बड़े हीरो, तुम्हारी तो फिल्म आने वाली है अगली। हिंदू शब्द की महिमा नहीं जानते, तो इसलिए ये कटाक्ष है मेरा उन लोगों के प्रति जो अपने सनातन की चर्चा तो कर रहे हैं लेकिन उनमें सनातन नहीं झलक रहा। क्षमा कीजिएगा, आधी अधूरी बात नहीं चलेगी। बोलिए राधे राधे। समझना सबको पड़ेगा, बराबर कार्य, बराबर होमवर्क सबके लिए, किसी एक के लिए नहीं है। जब आपके ललाट पे तिलक लगता है तो आपकी ऊर्जा बढ़ जाती है, सामने जो खड़ा होता है ना वो देख रहा है कि आपके अंदर ओज है, आपका ओज अलग दिखता है। या आपसे ही कहता हूं, कभी किसी तिलक व्यक्ति तिलक लगा उसको आप देखते हैं तो अलग एक ऊर्जा फील होती है कि नहीं होती है? तो आपका ओज बढ़ रहा है, आपका कद बढ़ रहा है, आप बढ़ाने नहीं चाहते तो उससे क्या होगा? नुकसान आपका है, किसी और का नहीं है। इसलिए चीजों की तरफ वापसी कीजिए,
वापसी कीजिए अपनी जड़ों की तरफ, वापसी कीजिए। अब लोग वापस कर रहे हैं, अब जो समझदार हो गए उनके यहां थर्माकोल की प्लेट्स पार्टियों में नहीं आ रही, उनके यहां प्लास्टिक के ग्लास पार्टीज में या आदि में नहीं आ रहे हैं, अब वापस पत्तल और दोने पर जा रहे हैं, क्योंकि वो समझदार हो रहे हैं, उन्हें मालूम पड़ गया कि हम गलत चले गए थे, अब वे वापसी कर रहे हैं, करना पड़ेगा। अगर स्वास्थ्य आपको बराबर रखना है, अगर कैंसर आदि इत्यादि चीजों से बचना है, तो प्रकृति की तरफ लौटना पड़ेगा। मैया ने यही दर्शन दिया है कि इससे बड़ी कोई प्रकृति नहीं है, गौ की सेवा तुम्हारे जीवन का कल्याण करती है, यथाशक्ति जहां हो गौ सेवा करो। हिंदू होने का पहला धर्म ही यही है। आपके घर की पहली रोटी, घर में 10 लोग रह रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी पहली रोटी क्यों गैया मैया की है? क्यों भगवान श्री कृष्ण आकर गौ की सेवा करते हैं? अरे भगवान है, खुद की सेवा कराएं, क्यों पड़े हैं गैया मैया के पीछे? क्यों पूरे ब्रजमंडल में नंगे पैर घूम रहे हैं कि नहीं मेरी गैया को जूते नहीं है, चप्पल नहीं है, मैं कैसे पहन लूं? और अगर तुम ये कह रहे हो कि हम उस कृष्ण को पूछते हैं, तो कृष्ण तुमसे पूछेगा कि मैं जिसको पूछता हूं उसको तुम पूछते नहीं हो, मुझे पूछ के तुम्हें मिलेगा क्या? भगवान जिसको पूछ रहे हैं हम उसको पूछना नहीं चाहते, और हम कह रहे हैं भगवान को पूछ के हमें कुछ मिल जाएगा, क्या संभव है? कभी संभव नहीं, ना कभी हो सकता। कृष्ण का दर्शन, चाहे श्री राम का दर्शन, जो भी दर्शन है, भगवान शिव का दर्शन, उनके पास भी नंदी है, गौवंश है, बिना इसके संभव नहीं है।